नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राकेश हेल्थ टिप में। आज हम जानेंगे अस्थमा के बारे में या दमा के, जिसको बोलते हैं हम दमा, और अस्थमा एंड सीओपीडी के बारे में जानेंगे। जो सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ये दोनों के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका जो साइन सिम्टम क्या है, बिहाइंड का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और इसका जो सेकेंड वीडियो है हम उस सेकेंड वीडियो में बताएंगे आपको उसमें मेडिसिन क्या लेंगे और उससे फाइट कैसे करेंगे। चलिए, ये जो अस्थमा है एंड सीओपीडी है, ये आपका लंग्स डिजीज है। तो पहले जानते हैं लंग्स के बारे में। आपका जो लंग्स शुरू होता है ट्रकिया से, डिवाइड बाय दो पार्ट में, आपका राइट ब्रोंकियोल्स एंड राइट ब्रोंकोस एंड लेफ्ट ब्रोंकोस, ब्रोंकोस आगे जाके ब्रोंकियोल्स हो गया, एंड ब्रोंकियोल से आपका एल्वियोली जो एयर सेक्स होता है, एयर सेक्स, जिसमें क्या होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन द कैपिलरी ऑफ द वॉल ऑफ एल्वियोली, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जो आपका इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑन द एयरवे ऑफ द लंग्स, उसको बोलते हैं हम अस्थमा। जो इन्फेक्शन होता है एयरवेज आपका सिकुड़ जाता है, उनमें म्यूकस भरा होता है जिनमें आपको सांस लेने में तकलीफ होता है। इनका साइन सिम्टम क्या होता है, आपको बार बार खांसी होना, नाइट में सोते हुए बार बार खांसी हुए कफ निकलना, क्योंकि ये म्यूकस बहुत निकलता है, इसमें म्यूकस के वजह से आपको कफ ज्यादा बढ़ जाता है, आपका चेस्ट में जो चेस्ट टाइटनिंग हो जाता है, आपको थोड़ा पैदल जाने के बाद आपको जैसा लगता है कि सांस फूल गया, सांस बढ़ जाता है, एक हुसली से साउंड निकलता है। तो ये सब कॉमन कुछ जो साइन एंड सिम्टम है आपका अस्थमा का। ये वैसे होता क्यों है, देखिए, ये पहले तो एक आपका जो होता है जो एनवायरमेंटल फैक्टर, जिन लोगों में एलर्जी ज्यादा है, जिनको डस्ट एलर्जी है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर जिनको है उनको ज्यादा अटैक होता है अस्थमा। ये जो एलर्जी है, एलर्जी का हमने एक टॉपिक बनाया था, उसका जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप देख लेंगे। जिनको एलर्जी बहुत है, डस्ट एलर्जी है, उनको बहुत जल्दी हो जाता है अस्थमा, और जिनको फैमिली में उनका पहले से हिस्ट्री है उनको हो जाता है आपका अस्थमा। और जो लोग नहीं मानते हैं, जिनका मान लीजिए कि बहुत देखा जाता है बच्चों में, बच्चों क्या करते हैं, बहुत आइसक्रीम खा लेते हैं, बच्चों जो धूल मिट्टी में खेल लेते हैं, वो इनके वजह से उनको बार बार अस्थमा का अटैक आता है। ये मेनली अस्थमा जो है ना बच्चे और एडल्ट में देखा जाता है। ये जो होता है ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, जो लोग ट्रिगरिंग फैक्टर को नहीं मानते हैं उनको हो जाता है अस्थमा। और जो लोग मान लीजिए कि बाहर काम करते हैं, डस्ट में काम करते हैं, कोई लोग आपका कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको होता है आपका अस्थमा अटैक। और जिन लोगों ने मान लीजिए ट्रैफिक हबिलदार लोग बाहर रहते हैं, हमेशा धूल माइट रहता है, उनको होता है आपका अस्थमा। ये होता है अस्थमा, लगभग आपका 230 मिलियन लोग अफेक्टेड है आपका अस्थमा में। और ये सीओपीडी जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ये अपने आप में बताता है कि ये क्या है। क्रॉनिक मतलब सीवियरिटी, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्टेकल, एंड पल्मोनरी डिजीज मतलब लंग्स में जो डिजीज हुआ। ये हम अगर डिफरेंस करेंगे आपका सीओपीडी एंड अस्थमा में लगभग सेम है, लेकिन जो सीओपीडी है वो पाया जाता है आपका 35 एबव में पाया जाता है, जो अस्थमा में अस्थमा है वो बच्चों में पाया जाता है। और जो सीओपीडी है उनमें लगभग आपका लंग्स खराब हो जाता है थोड़ा बहुत, वो लंग्स में बहुत इन्फेक्शन होता है, लेकिन अस्थमा में वो एक फैक्टर के वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होता है। ये जो सीओपीडी है, सीओपीडी जो लोग बहुत चेन स्मोकर है, बहुत सिगरेट लेते हैं, बहुत बीड़ी लेते हैं, सिगार लेते हैं, उनको आगे जाके सीओपीडी हो जाता है। और जो लोगों ने बहुत दिन से केमिकल फैक्ट्री में काम किया है, जो लोग बहुत दिन से आपका कॉटन मिल में काम किए हैं, जो लोग बहुत दिन से दवाइयों फैक्ट्री में काम किए हैं, उनको डस्ट के वजह से उनको चेस्ट में वो निकलता है, आगे जाके जब एज होता है तो वो निकलता है, उसको बोलता है हम सीओपीडी। और इसका जो एक आगे टॉपिक आने वाला है, इसका जो एक और पार्ट आने वाला है, उस पार्ट में हम जानेंगे ये अस्थमा और सीओपीडी का डिजीज क्या है, और डिजीज का वो मेडिकेशन क्या खाएंगे यार, उसको कैसे प्रिवेंट करें।